फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी एजिंग फेशियल सीरम की। मैं यहाँ एंटी एजिंग फेशियल सीरम आपको बताऊंगी कि किस तरह से बन सकता है और ये इजीली हमारे घर पे बन सकता है और ये इतना बेनिफिशियल है कि हमारी जो एंटी एजिंग के जो साइंस होते हैं उसको रिड्यूस करता है और आपकी जो स्किन है वो यंगर लुक देगी और आपके जो रिंकल्स, फाइन लाइंस और डार्क स्पॉट्स और एक्ने के जो स्पॉट्स होते हैं उन सब को रिड्यूस करेगी। तो इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो सब पावरफुल हैं और एक एक करके मैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी बताऊंगी और इसको कितनी क्वांटिटी में लेना उसके बारे में भी बताऊंगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएँ ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज़ को आप मिस ना कर पाएँ। सबसे पहले मैं ले रही हूँ बादाम रोगन। ये स्वीट आलमंड ऑयल होता है, ये हमारी एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करने में बहुत मदद करता है। इसमें विटामिन ई और फैटी एसिड्स होते हैं जो कि साइंस ऑफ एजिंग को रिवर्स करता है। ये इतना अच्छा ऑयल होता है कि सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले हम अपने फेस पे इसको 2-3 ड्रॉप लेके अपने फेस पे अच्छे से मसाज करके सो सकते हैं या एज ए क्लिनजर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बादाम रोगन का ये आलमंड ऑयल हमारा बेस ऑयल है। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ फ्रैंकिनसेंस एसेंशियल ऑयल। इसको किंग ऑफ ऑयल्स के नाम से भी जाना जाता है और ये एसेंशियल ऑयल एक पावरफुल एस्ट्रिंजेंट है जो कि हमारे स्किन सेल्स को प्रोटेक्ट करती है और हमारे एक्ने ब्लेमिशेस को रिड्यूस करती है और प्रिवेंट करती है रिंकल्स को, लार्ज पोर्स की अपीयरेंस को कम करती है और ये हमारी स्किन को लिफ्ट करती है और टाइटन करती है। तब भी यूज़ होता है जब हमारी स्किन लटकी लटकी सी लगती है, सैजी हो जाती है, जैसे कि हमारी एब्डोमन, जॉज और अंडर द आईज, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये एंटी एजिंग और रिंकल्स फाइटर के जैसे काम करती है और ये हेल्प करती है वाउंड की हीलिंग में और स्कार्स की अपीयरेंस को डिक्रीज करती है, डार्क स्पॉट्स को कम करेगी, एक्ने ब्लेमिशेस को कम करेगी, स्ट्रेच मार्क्स, एक्जिमा और हील करेगी सर्जिकल वाउंड्स को। ये हमारा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसको हमने स्किप नहीं करना है। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल भी एक पावरफुल ऑयल है, ये हेल्प करता है आपके रिंकल्स को रिमूव करने में और ये एक्ने प्रॉन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। सो अगर आपकी एक्ने प्रॉन स्किन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ होहोबा ऑयल, होहोबा असेंशियल ऑयल। ये तीनों मैंने असेंशियल ऑयल यूज़ किए हैं। होहोबा ऑयल एक ऐसा असेंशियल ऑयल है जो हमारे ओपन पोर्स को क्लोग नहीं होने देता और ये आयोडीन में रिच होता है जिससे कि हमारे स्किन पे हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है और हमारी स्किन हेल्दी लगती है। होहोबा ऑयल में जो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारी फाइन लाइंस, रिंकल्स को रिमूव करती हैं और हमारी साइंस ऑफ एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करती हैं। और नेक्स्ट हमें चाहिए एक एम्प्टी बॉटल, डार्क कलर की, ये ब्राउन शेड की डार्क बॉटल है। ये खाली बॉटल थी मेरे पास घर में, उसको मैंने धो लिया, अदरवाइज़ आपको ये अमेजन पे भी मिल जाएगी। और मैं यूज़ कर रही हूँ एक ड्रॉपर। तो सबसे पहले मैं खाली जो हमारा जार है उसमें बादाम रोगन की, उसमें मैं बादाम रोगन डालूँगी और इसको मैं 6 ml के करीब डालूँगी, इसको मैं 6 ml के करीब डालूँगी। ये ड्रॉपर जो है यहाँ, ये एक ड्रॉपर 1 ml के बराबर है, तो मैं इसमें 6 ml बादाम रोगन की डालूँगी और बादाम रोगन बहुत ही अच्छा बेस ऑयल है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रैंकिनसेंस ऑयल, इसकी मैं 1 ml ड्रॉप्स डालूँगी। ये छोटा वाला ड्रॉपर है तो इसको मैं हाफ ऑफ करके 2 बार डालूँगी, तो ये 0.5 ml एंड देन अगेन 0.5 ml।
उसके बाद मैं होबा ऑयल भी 0.5 ml डालूंगी और एक ही बार हाफ ड्रॉपर डालूंगी मैं इसमें। नेक्स्ट मैं डालूंगी टी ट्री ऑयल भी मैं 0.5 ml यहाँ यूज़ करूँगी और आप देख सकते हैं कि इसका जो ओपनर है ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो इसको मैं ड्रॉपर की हेल्प से नहीं डाल पाऊँगी, तो मैं इसे ड्रॉप से डालूँगी। मैं इसमें 10 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल की डाल दूँगी। अब फ्रेंड्स, हमने इन सबको इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस बोतल में रखना है और रात को सोने के टाइम हमने इसको लगाना है। रात को सोने के टाइम आपने अपने फेस को अच्छे से धोना है और इसकी 2 से 3 बूंदें लें, अच्छे से मसाज करें आपके फेस के एक साइड में और फिर से 2-3 बूंदें लें और दूसरे साइड अच्छे से मसाज करें। तो इस तरह से दोनों साइड आपने अच्छे से अपने हाथ से मसाज कर लेनी है, क्योंकि ये एसेंशियल ऑयल है तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको ऑयली नहीं फील होगा और ये ऑयल बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन में। और बहुत ज़्यादा रगड़ के हमने मसाज नहीं करनी है, बस इतना करनी है कि जब हम हाथों पे हथेलियों पे इसको लेंगे तो इसको हल्का सा हम हाथों से मस लेंगे और इसका टेम्परेचर जो है आपके बॉडी टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा और अपने जो स्किन है, फेस है, उसके ऊपर आप अच्छे से इसको लगा लेंगे और रात को सो जाएंगे। तो इसको डेली यूज़ करने से है यंगर लुक देगी और फाइन लाइन्स, रिंकल्स, इन सबको दूर करेगी। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।